अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दुआ करती हूँ कि आप जहाँ होंगे ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज की जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और उसके साथ साथ आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ना एक इंटरेस्टिंग से न्यूज़ भी है, क्योंकि आज मैं अपने साथ साथ किसी और को भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। जी हाँ, एक्चुअली बहुत से लोग मुझसे मेरा नाम पूछ रहे थे। तो जी, मैं हूँ आपकी होस्ट माही, और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि मैं आज आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। तो जी, मेरे साथ है मेरी को होस्ट मैना। जी हाँ, मैंने अपने साथ इस चैनल पर एक को होस्ट को ऐड किया है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं इधर ही हूँ, लेकिन अपने साथ मैंने एक और को होस्ट को ऐड किया है, और उसकी रीज़न ये है कि मैं आप लोगों के लिए जो नॉवेल्स लेकर आ रही हूँ वो ना सीरीज़ वाइज हैं, और उसमें वन डे गैप होता है, और कभी कभी अपनी टफ रूटीन की वजह से वन डे से ज़्यादा गैप भी हो जाता है या हो सकता है। तो कुछ लोग जो हैं वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप गैप ना किया करें। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए और अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मैंने अपने साथ मैना को ऐड किया है। और इसकी रीज़न ये भी है कि एक्चुअली जो वन आवर की वीडियो होती है ना, उसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरे सब्सक्राइबर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि मैं अपने लिए कोई एडिटर अरेंज करूँ। इसलिए रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग एंड देन अपलोडिंग तक सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए रोज़ाना इतनी लंबी वीडियो को अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। इसलिए जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, यानी जो सीरीज़ वाइज वीडियोज़ हैं, वो वन डे गैप के साथ आती हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो बीच का गैप है इसको कैसे रीफिल किया जाए, ताकि आप लोग भी खुश रहें और मैं भी इजीली अपना काम जारी रख सकूं, और आप लोगों को भी गैप आने का गिला ना हो। तो जी फिर इसीलिए मैंने अपनी प्यारी सी को होस्ट मैना को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मुझे ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और मज़े मज़े की वीडियोज़ लेकर आएँ। तो जी बताएं फिर ऑडियंस, कैसा लगा मेरा आइडिया। चले आए, अब करते हैं अपनी को होस्ट मैना को वेलकम। जी मैना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी ऑडियंस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जी, मैं आपको ज्वाइन करने वाली हूँ जल्द ही इस चैनल पर, कुछ नई कहानियों और कुछ नए अंदाज के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी लाई हुई कहानियाँ और अंदाज ज़रूर पसंद आएगा। जी बिल्कुल, मैना को ऐड करने का कुछ मकसद मेरा यही था कि जो बीच का गैप होता है उसको रीफिल किया जाए, और कंटेंट एक्चुअली मेरे चैनल पर वाकई बहुत कम है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपके चैनल पे कंटेंट बहुत कम है, तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। एक्चुअली लाइफ में आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, उनको भी आपको लेकर चलना पड़ता है, और अभी भी मुझे जो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ या अपने चैनल के जो भी वीडियोज़ मैं लेकर आती हूँ उसके लिए ना मुझे रात में जागना पड़ता है, तो डे टाइम में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मुझे अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनती है। और इसीलिए मैंने मैना को ऐड किया कि जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो फ़नी सीरीज़ का सिलसिला है, वो मैना को दे दिया जाए, ये मैना के डिपार्टमेंट रख दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार आप लोग मुझे देते हैं उतना ही आप जो है वो मैना को भी देंगे, और इनको भी दिल से वेलकम करेंगे। जी, मेरा भी इस चैनल को ज्वाइन करने का मकसद यही था कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट लेके आया जाए, ताकि आपके गिले शिकवों को भी दूर किया जा सके, और इस तरह आप भी खुश और हम भी खुश। तो जी, मैना और माही की जोड़ी मिलकर आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन बाकी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करें, और अपने ख्यालात का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा चलें ठीक है, अब हम मेरी तरफ से तो जी अल्लाह हाफिज़। मैना, आपने कुछ कहना है। जी बस मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, अपनों के साथ वक्त गुजारें, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।